आइए आज मैं बनाने जा रही हूँ मोहर्रम के स्पेशल चोंगे, जिसके लिए मैं ली हूँ घी, इलायची, पिस्ता, काजू, खसखस, नमक, शक्कर, सूखा नारियल खिरचा हुआ और मैदा। अब इसके लिए मैदा लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम नमक और एक चम्मच घी। अब थोड़ा पानी डाल के इसको गून लेंगे अच्छे से। आटा हमारा गून के हो गया है, अब इसको रखेंगे हम 5 मिनट रेस्ट के लिए। अब आटा हमारा सेट हो गया है, हम इसके बना लेंगे पेड़े। अब हमारे पेड़े बन के रेडी है, हम इसको बेलेंगे। यह हमारे 5 पत्ते बेल के रेडी हो गए हैं। पत्ता मैंने ले लिया है, इसमें अब हम घी लगाएंगे। एक पत्ते पे घी लगा के हो गया है, अब दूसरे पत्ते पे घी लगाएंगे। ये 5 पत्ते पे घी मैंने लगा लिया है, अब हम इसे लपेट लेंगे। अब इसको हम काट लेंगे छोटे छोटे पेड़े के साइज में। अब हमारे पेड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब हम बना लेंगे चाशनी। इसके लिए लिया है मैंने शक्कर 1 कटोरी और लिया है 1 कटोरी पानी। अब हम इसमें डालेंगे इलायची। अब हमारी चाशनी बनके तैयार है, अब इसको निकाल लेंगे। तेल गरम करने के लिए कढ़ाई लेंगे। अब हमारा तेल गरम हो चुका है, हम इसमें डालेंगे पत्ते। कम तल के निकाल लिया है हमने। अब हम कटोरे में चाशनी निकाल लेंगे। अब इसमें हम चोंगे को डुबो के निकाल लेंगे। इसमें हम चाशनी से निकाल लिया है, अब इसमें डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे नारियल। अब मैं इसमें डालूंगी खसखस। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। ये बनके रेडी है।